जय माता दी। दोस्तों, आप सभी मेरे साथ यूं ही जुड़े रहें और हर दिन फलाहारी व्यंजनों का मजा लें। आज मैं आपको ग्रीन साबुदाने खिचड़ी की रेसिपी बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साबुदाने को एक बाउल में डालें, फिर पानी डालकर इसे अच्छे से धोएं। और पानी को पूरा निकाल दें। फिर से थोड़ा सा पानी डालें जो कि साबुदाने से हल्का सा ऊपर दिखे। फिर इसे ढककर आप 8 घंटे के लिए या रात भर के लिए रख दें। कढ़ाई को गर्म करें, उसमें मूंगफली डालकर मीडियम फ्लेम में भूंजें। मूंगफली का कलर चेंज हो जाए व उसके छिलके निकलने लगे, मतलब वह अच्छे से भुंज गई है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लें और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। साबुदाने भी अच्छे से फूल गए हैं, देखिए कितने अच्छी तरह से अलग अलग हैं। आपको आलू लेना है, आलू को इस तरह से काटना है, आलू को ज्यादा मोटा ना काटें। कटोरी में पानी लेकर आलू के पीस उसमें डाल दें ताकि आलू काले ना पड़े। एक हरी मिर्च को भी बारीक काट लें और साइड में कटोरी में रख लें। अब हम मिक्सर जार में भुंजी हुई मूंगफली को पीस लेंगे। पीसी हुई मूंगफली को भी एक बर्तन में रख लेंगे। मिक्सर जार में पुदीना, हरी धनिया, थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लें। कढ़ाई में ऑयल डालें। गर्म हो जाने पर जीरा, हरी मिर्च, आलू डालकर मिक्स करें। और ढककर मीडियम फ्लेम में आलू को पकने दें। थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है जब तक आलू पक ना जाए। अब आलू में हल्का सा व्रत वाला नमक डालें और फिर से ढककर पकाएं। देखिए आलू अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें साबुदाने डालें। गैस का फ्लेम आपको स्लो रखना है। व्रत वाला सेंधा नमक डालें और अच्छे से मिक्स करें। फिर इसमें धनिया पुदीना का पेस्ट डालकर मिक्स करें और कढ़ाई को ढककर छोड़ दें। थोड़ी थोड़ी देर में आपको साबुदाने को चलाते रहना है ताकि वह कढ़ाई में चिपके ना और अच्छे से पक जाए। अब इसमें भुंजी हुई मूंगफली का पाउडर डालें और मिक्स करें।
मूंगफली मिक्स हो जाने पर आधा नींबू का रस डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। तैयार है खिली खिली ग्रीन साबूदाने खिचड़ी। इसे एक प्लेट में निकालकर दही के साथ सर्व करें। फलाहारी चटनी रायते की रेसिपी जरूर देखें। मेरे चैनल के साथ जुड़कर हर दिन नए व्यंजनों का मजा लें।